नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशक्तियों वाला एक एलियन डार्क गरीब लड़के का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसे उसके स्कूल में लगभग सभी लोग अपमानित करते हैं, और साथ में वे चुनौतियों की एक नई यात्रा का सामना करेंगे। आज हम 2008 की फिल्म CX7 द मैजिक टॉय की कहानी को फिर से दोहराएंगे। डिकी एक बहुत गरीब लड़का है जो अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक में पढ़ता है। उसके पिता टीआई बड़े निर्माण कार्यों में एक राजमिस्त्री के रूप में काम करते हैं और अपने सारे पैसे लड़के के लिए एक निजी स्कूल का भुगतान करने में खर्च करते हैं। उनके शिक्षक मिस युआन उनकी बहुत परवाह करती हैं और लड़के को हमेशा कक्षा में गंदे कपड़ों में देखकर चिंतित रहती हैं। महिला डिकी के पिता से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कहता है कि उसके पिता हमेशा काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनके पास उसके लिए समय नहीं है। लड़के की माँ की मृत्यु तब हुई जब वह अभी छोटा था, इसलिए डिकी ने कक्षा के दौरान पूरा दिन अकेले बिताया। जब उससे पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा, तो लड़के ने कहा कि वह गरीब बनना चाहता है, क्योंकि उसके पिता कहते हैं कि अगर डिकी ईमानदार और अध्ययनशील व्यक्ति है तो गरीब होने पर भी उसका सम्मान किया जाएगा। जब लड़का बोल रहा था तो उसके शिक्षक श्रीत साओ ने गलती से अपना पेन फर्श पर गिरा दिया। डिकी फिर उठता है, पेन लेता है और उसे श्रीत साओ को थमा देता है। हालांकि उस आदमी का रवैया पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह लड़के को पेन वापस फर्श पर रखने का आदेश देता है और डिकी के छूने पर उसे चीर से उठाता है। दोपहर के भोजन के दौरान उसका एक अमीर सहपाठी जिसका नाम जॉनी है, लड़कों को अपना सबसे नया खिलौना जे एक नामक एक रोबोट कुत्ता दिखाता है। उस समय लड़का अपनी कक्षा में एक युवा महिला मैगी को देखता है जिसका आकार बाकी छात्रों की तुलना में पूरी तरह असंगत था। जब वह और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं तो डिकी प्रकट होता है और उनसे उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। छोटे मोटे अपराधी उसे अनदेखा करते हैं और चले जाते हैं। जिम क्लास शुरू होती है और डिकी को गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शिक्षक का दावा है कि लड़के के स्नीकर्स उपयुक्त नहीं है। क्लास शुरू होने के कुछ मिनट बाद मैगी उसके पास आती है और बताती है कि उसने लड़के के साथ रहने के लिए अपने स्नीकर्स भूल जाने का नाटक किया था। वह पूछती है कि क्या डिक के सभी जूते इतने पुराने हैं, और वह हाँ कहता है क्योंकि उसके पिता ने उसके जूते कूड़ेदान से निकाले थे। अपने पिता की प्रशंसा करने और उनसे शर्मिंदा न होने के बावजूद लड़का नए स्नीकर्स चाहता था ताकि वह कक्षाओं में भाग ले सके। क्योंकि वह निर्माण में खेलों के प्रति जुनूनी है, टी कमजोर दिखाई देता है और मुश्किल से काम कर पाता है। उसके बाद उसका मालिक उसे निकालने का फैसला करता है। हालांकि टी उसे रहने देने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए पंखा खरीदने की जरूरत है जो गर्मी के कारण रात में सो नहीं पाता है। आदमी सवाल करता है कि टी अपने बेटे को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए इतनी मुश्किलों से क्यों गुजरता है, और वह कहता है कि वह चाहता है कि डिकी को जीवन में और अवसर मिले और वह उसके जैसा न बने। यह सुनकर उसका मालिक उसे वहाँ काम करना जारी रखने की अनुमति देता है। रात में टी अपनी बाइक से लटके पंखे के साथ घर आता है। वह आदमी एक परित्यक्त इमारत में रहता है जिसे आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। जब वह घर पहुँचता है तो डिकी उसका इंतजार कर रहा होता है और यह देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पिता ने उन्हें पंखा दिलवाया है। हालांकि जब टी मशीन चालू करता है तो यह काम नहीं करती। लड़के को जल्द ही संदेह हो जाता है कि उसके पिता को वह पंखा कूड़ेदान में मिला है, लेकिन आदमी का दावा है कि उसने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चुकाए हैं। वह कहता है कि जब उसने इसे खरीदा था तब यह उपकरण काम कर रहा था, लेकिन अंततः डिकी को खुद को ठंडा रखने के लिए हाथ के पंखे का इस्तेमाल करना पड़ा। रात के खाने के दौरान पिता अपने बेटे को देने के लिए सेब के सड़े हुए हिस्सों को हटाने की कोशिश करता है। लड़का नए स्नीकर्स मांगने के लिए मौके का फायदा उठाता है। फिर टी गारंटी देता है कि वह सोने से पहले उसे एक नया जोड़ा जूते दिलवाएगा। वे एक साथ मौज मस्ती करते हैं और उनकी पसंदीदा गतिविधियों में से एक उस घर के हर कोने में छिपे हुए तिलचट्टों को मारना है। अगली सुबह वे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की खिड़की के बाहर टीवी देखते हैं। समाचार में एक उड़न तश्तरी के दिखने की घोषणा की गई, जिसकी छवि स्थानीय निवासियों में से एक ने रिकॉर्ड की थी। हालांकि फोटो का विषय अंतरिक्ष यान को देखने का दावा करने वाले व्यक्ति की टोपी के समान था, जो एक अच्छा संकेत है कि वह झूठ बोल रहा था। जब टी समाचार देख रहा था, डिकी अगले दरवाजे पर खिलौनों की दुकान में प्रवेश करता है और जॉनी के समान एक खिलौना पाता है। वह दावा करता है कि अगर उसके पिता KH वाला खिलौना खरीद लेते हैं तो वह फिर कभी कुछ नहीं मांगेगा। हालांकि उसके पिता के पास पैसे नहीं होते और वह लड़के से खिलौना वहीं छोड़ने के लिए कहते हैं जहां वह था। डिकी उनकी बात नहीं मानता और खिलौना लेने पर जोर देता है, इसलिए उसके पिता उसे थप्पड़ मारते हैं। खिलौना लौटाने के बाद लड़का रोने लगता है और दुकान से बाहर भाग जाता है। उसके पिता उसके पीछे जाते हैं और जब वह उसे पाता है तो उसे पता चलता है कि डिकी अपनी शिक्षिका मिस युआन के साथ है। मिस युआन बताती है कि वह डिकी के बारे में बात करने के लिए उसके घर आना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि माता पिता को भी अपने बच्चों की शिक्षा में भाग लेना चाहिए। हालांकि टी पीछे हट जाता है और काम में बहुत व्यस्त होने का दावा करता है। रात में वह आदमी कबाड़खाने में जाता है और उसे अच्छी स्थिति में स्नीकर्स की एक जोड़ी मिलती है, जिसे वह डिकी को देने की योजना बनाता है। फिर उसे एक टीवी मिलता है और यह जांचने की कोशिश करता है कि सेट काम कर रहा है या नहीं। उसी समय मलबे से एक उड़न तश्तरी निकलती है और एक खिलौना पीछे छोड़कर उड़ जाती है। जब वह घर पहुँचता है तो टी लड़के से कहता है कि उसे CK1 से कहीं बेहतर कुछ मिला है। डिकी उसे देखने जाता है और पाता है कि वह सिर्फ एक बेकार जेली बॉल है। फिर भी वह उस चीज को स्कूल ले जाने का फैसला करता है और जॉनी उसे परेशान करने के लिए आता है।
जब उससे पूछा जाता है कि वह चीज क्या है, तो डिकी कहता है कि उसके खिलौने का नाम KH-7 है और यह CK-1 से कहीं बेहतर है। जॉनी कहता है कि डिकी के पिता को शायद वह बकवास कूड़ेदान में मिली होगी और डिकी उसे धमकी देता है कि अगर वह उसके पिता के बारे में बात करता रहा तो वह उसे मार देगा। उस समय जॉनी सीटी बजाता है और कुछ ही पलों में डिकी से 5 गुना बड़ा एक लड़का जिसका उपनाम ड्रैगन है प्रकट होता है। वह लड़के की बाह पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। रात में डिकी को उसके पिता द्वारा स्कूल में लड़ाई करने और उसकी वर्दी फाड़ने के लिए डांटा जाता है। लड़का कहता है कि उसके सहपाठी उस बेवकूफ खिलौने की वजह से उस पर हंस रहे थे। जब वह अपने पिता को बता रहा था कि क्या हुआ था, डिकी ने गलती से गेंद को चालू कर दिया। गेंद हिलने लगी और उसकी सतह पर कई स्पाइक्स दिखाई देने लगे। अचानक एक ब्लैक होल खुलने लगता है। भयभीत होकर लड़का उस वस्तु को फेंक देता है। वह अपने पिता को बताता है कि गेंद शापित है और घर के चारों ओर भूत दिखाई देने लगते हैं। हालांकि उसके पिता उसे अनदेखा करते हैं और वर्दी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिस्तर के बगल में कोठरी का दरवाजा खुलता है और डिकी अंदर देखता है कि क्या है। उस पल लड़के को एक अजीब प्राणी हिलता हुआ दिखाई देता है और वह एक बार फिर चिल्लाता है। बच्चे से परेशान होकर उसके पिता उसे कोठरी में डाल देते हैं और कुछ मिनटों के लिए वहीं छोड़ देते हैं। इस बीच लड़का इतना डर जाता है कि वह भगवान से उसकी रक्षा करने के लिए कहता है। तभी हरी गेंद चमकने लगती है, किसी तरह की टॉर्च में बदल जाती है और एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करती है जो डिकी को दूसरे आयाम में ले जाती है। इस दृश्य के दौरान युवक एक गोभी के सिर वाले प्राणी को अपने एंटीना का उपयोग करके एक टूटी हुई वस्तु की मरम्मत करते हुए देखता है। ऐसा करने पर राक्षस को ऊर्जा देने वाला पत्थर नष्ट हो जाता है और वह किसी तरह की भरवां गुड़िया में बदल जाता है। हालांकि अगर उसे महत्वपूर्ण ऊर्जा देने वाला पत्थर बदल दिया जाए तो वह फिर से जीवित हो सकता है। डिकी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह हरा बलूत का फल एक एलियन में बदल गया है। उसके पिता कोठरी का दरवाजा खोलते हैं और वह प्राणी को छिपाने की कोशिश करता है। जब उसके पिता काम पर जाते हैं तो लड़का यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह चीज क्या है और निष्कर्ष निकालता है कि यह एक अंतरिक्ष कुत्ता है। उस पल से वह उसे CJ-7 कहता है। साथ में वे पूरी रात मस्ती करते हैं। जब वे नाचते हैं तो राक्षस को एक सड़ा हुआ सेब मिलता है और वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे फिर से अच्छा बना देता है। जब डिकी फल चखता है और देखता है कि यह अब खराब नहीं है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसे एक जादुई कुत्ता मिल गया है। अगले दिन स्कूल में वह CJ-7 को अपने कंधों पर लेकर चलता है और उसके सामने एक परीक्षण का प्रस्ताव रखता है। लड़का कहता है कि अगर यह प्राणी धरती के सबसे क्रूर कुत्ते को हराने में कामयाब हो जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि वह वास्तव में एक एलियन सुपर डॉग है। यह सुनकर छोटा राक्षस जानवर की ओर दौड़ता है और कुछ वार करके उसे हराने में कामयाब हो जाता है। लड़का बेहद गर्वित होता है और उस चीज को अपने कंधे पर लेकर स्कूल जाता रहता है। अब दोनों बाथरूम में छुपकर बहुत खुश हैं। डिकी ने CJ की मदद ली ताकि वह उस परीक्षा में 100 नंबर प्राप्त कर सके जो वह देने वाला था। उस पल प्राणी अपना टूल बॉक्स लेता है और चश्मा बनाना शुरू कर देता है जिससे लड़का मूल्यांकन के दौरान अपने सहपाठियों के उत्तरों पर जासूसी कर सके। यह चश्मा एक स्निच जैसा दिखता है लेकिन बहुत छोटा और एक विशाल आंख के साथ। चश्मे के किनारों से बाहर निकलकर वह डिकी के सहपाठियों की परीक्षा का विश्लेषण करता है। हालांकि रोबोट जॉनी की नजर में आ जाते हैं जो उनका शिकार करना शुरू कर देता है और गलती से प्रोफेसर पर हमला कर देता है। फैनी ने भी ऐसा ही करने का मौका इस बहाने से लिया कि वह एक मक्खी का पीछा कर रही थी। बाद में पहली बार परीक्षा परिणाम सामने आया, डिकी को ए मिला। अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद शिक्षक लड़के का चश्मा देखने के लिए कहते हैं। लड़का फिर उस वस्तु को उनकी ओर फेंकता है। जब वह पास जाते हैं तो मिस्टर देखते हैं कि चश्मा फट गया है। जब वह फिर से CJ से मिलता है तो लड़का कहता है कि उसकी अगली कक्षा जिम क्लास है इसलिए उसे एक सुपर स्नीकर की आवश्यकता होगी। कुछ सेकंड बाद जूते तैयार हो जाते हैं। शिक्षक छात्रों को अपना व्यक्तिगत कूदने का रिकॉर्ड दिखाते हैं और दावा करते हैं कि कोई भी इसे कभी नहीं तोड़ पाया है। हालांकि डिकी आसानी से बाधा को पार करने में सफल हो जाता है। आदमी बार को नीचे करता है और लड़के से फिर से कूदने के लिए कहता है क्योंकि एक बच्चे के लिए उस ऊंचाई पर कूद पाना बहुत अजीब है। युवक चुनौती स्वीकार करता है। हालांकि उसके स्नीकर्स उसे और भी ऊंची छलांग लगाने की अनुमति देते हैं। जब वह ट्रेडमिल पर जाता है तो जूता यांत्रिक पैरों की एक जोड़ी को छोड़ देता है जो लड़के के पैरों से जुड़ जाते हैं। इस तरह वह इतनी तेजी से दौड़ने में सफल हो जाता है कि ट्रेडमिल भी उसके साथ नहीं चल पाता है। जब वह पूल में कूदता है तो लड़का एक बार फिर से आगे निकल जाता है। उसके जूते से प्रोपेलर निकल जाते हैं जो उसे पानी के नीचे तेजी से तैरने की अनुमति देते हैं। फुटबॉल में उसकी किक इतनी शक्तिशाली होती है कि वह गोल पोस्ट को नष्ट कर देती है। इस बिंदु पर प्रोफेसर को पता चलता है कि डिकी के स्नीकर्स में कुछ गड़बड़ है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। आश्चर्यजनक रूप से बच्चा जीत जाता है। मिस युआन उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने खुद को गंभीर संकट में डाल लिया है। इस बीच मिस्टर त्साओ कई पुलिस अधिकारियों के साथ फुटबॉल मैदान की ओर चलते हैं लेकिन डिकी भागने में सफल हो जाता है क्योंकि उसके स्नीकर्स उसे उड़ने की अनुमति देते हैं। CJ-7 जैसे बादल को देखने के बाद लड़का अपने मुंह में सेब के बचे हुए हिस्से के साथ जागता है और उसे एहसास होता है कि वह सपना देख रहा था। उसके पिता काम से घर आ रहे हैं और उसे उठने और स्कूल जाने का आदेश देते हैं। जल्द ही युवक अपने बैग में छोटे राक्षस को देखता है और मानता है कि हालांकि यह सब एक सपना था लेकिन विदेशी कुत्ता असली था और उसे परीक्षा में 100 अंक दिलाने में मदद कर सकता था। स्कूल जाते समय लड़का
एक गली में रुकता है जहाँ कुत्ता रहता था। वह सीजे सेवन को उसे हराने की चुनौती देता है। खिलौना लड़ाई से भागता नहीं है और उस राक्षस का सामना करता है। हालांकि कुत्ता पूरी गति से उस पर दौड़ता है और छोटे राक्षस को दूर फेंक देता है। फिर एलियन और लड़के दोनों को हमले से बचने के लिए भागना पड़ता है। इस समय डिकी पहले से ही अपने अंतरिक्ष कुत्ते से निराश है, लेकिन फिर भी उसे स्कूल ले जाने का फैसला करता है। बाथरूम में वह सीजे सेवन से लड़ता है और कुत्ते को कुछ जादू करने का आदेश देता है ताकि वह परीक्षा में 100 अंक प्राप्त कर सके। हालांकि इस स्थिति में छोटा राक्षस सबसे ज्यादा एक सुपर पूप कर सकता है, जिसे लड़का कमरे में ले जाता है। परीक्षा के दौरान डिकी मल के ढेर को देखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। श्वेत साव उसे सूचित करते हैं कि समय समाप्त हो गया है और डिकी हताश हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक लिखना भी शुरू नहीं किया है। जॉनी पूछता है कि वह मल क्यों ले जा रहा है और उसे डिकी के चेहरे पर फेंक देता है। परीक्षा के बाद डिकी, जो पहले से ही निराश है, सीजे सात के सिर को शौचालय में धकेल देता है और दावा करता है कि कुत्ते ने उसे धोखा दिया है। वह प्राणी से अपने जादुई हथियार सौंपने का आदेश देता है, लेकिन उसे सिर्फ मल का एक विस्फोट मिलता है। जिम क्लास में शिक्षक माली से लड़के को धोने के लिए अपनी नली का उपयोग करने के लिए कहता है क्योंकि वह पूरी तरह से गंदा और बदबूदार था। इस अपमान के बाद डिकी फिर से सीजे सात के पीछे जाता है। वह खेत प्रकट करने का नाटक करता है और कुत्ते को छिपने से बाहर आने के लिए कहता है। छोटा राक्षस लड़के की बातों पर विश्वास करता है और उसके पास आता है। उसी पल डिकी उसे पकड़कर कूड़े में फेंक देता है। डिकी एलियन को पीछे छोड़कर चला जाता है, लेकिन जल्द ही उसे अपने किए पर पछतावा होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस छोटे राक्षस पर इतनी सारी उम्मीदें लगाने के लिए वह अकेला दोषी था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने कुत्ते के पीछे भागता है। हालांकि कूड़े का ट्रक अभी अभी सारा कूड़ा इकट्ठा करके चला गया है। हताश होकर बच्चा वाहन के पीछे भागता है और उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाद में जब वह घर पहुंचता है तो वह अपने पिता को बताता है कि उसने वह खिलौना खो दिया है जो उसे मिला था। लड़का रो रहा है और उसे नहीं पता कि क्या करना है। उस समय टी बताता है कि एक प्राणी वहां दिखाई दिया था और जाहिर तौर पर डिकी का इंतजार कर रहा था। जब वह लड़के को देखता है तो सीजे साथ खुशी से उछल पड़ता है। जाहिर है छोटा राक्षस पहले ही भूल चुका था कि डिकी ने उसके साथ क्या किया था। टी यह जानने के लिए उत्सुक होता है कि वह चीज क्या है और डिकी दावा करता है कि यह सिर्फ एक खिलौना है। आदमी सीजे साथ को घुमाना, मोड़ना और दबाना शुरू कर देता है और अंत में उसे लोहे की प्लेट से कुचल देता है। फिर भी जीव जीवित रहता है। वह छोटे राक्षस को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, लेकिन डिकी अपने पिता से उसके खिलौने के साथ ऐसा न करने के लिए कहता है। रात के दौरान लड़का गर्मी के कारण मुश्किल से सो पाता है, इसलिए सीजे साथ पंखे को ठीक करने के लिए अपने जादुई एंटीना का उपयोग करता है। ऐसा करने के बाद वह थक जाता है और वापस सो जाता है। अगली सुबह आदमी को आश्चर्य होता है कि पंखा फिर से कैसे काम करने लगा। डिकी अपना टेस्ट अपने पिता को देता है और पिता यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे को ए मिला है। डिकी अपने कंधों पर छोटे राक्षस को लेकर स्कूल से गुजरता है और अपनी कक्षा के बदमाशों को देखता है। यह महसूस करते हुए कि उसे खोज लिया गया है, सीजे साथ डिकी के बैग में घुस जाता है। जॉनी पूछता है कि वह क्या छिपा रहा है, लेकिन डिकी उसे अनदेखा करके चलता रहता है। हालांकि उसका बैग चोरी हो जाता है और सीजे साथ को पकड़ लिया जाता है। छोटा राक्षस भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका पीछा किया जाता है। कुछ सेकंड बाद जॉनी उसे फिर से पकड़ लेता है और यह पता लगाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है कि उसमें क्या है, लेकिन कोई भी हथियार उसे भेद नहीं पाता। डिकी किसी तरह से मुक्त हो जाता है और लड़के के ऊपर कूद जाता है, जिससे सीजे सात को भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वह जॉनी को मारने वाला होता है, ड्रैगन प्रकट होता है और उसकी बाह पकड़ लेता है। वह डिकी को फिर से पीटने का इरादा रखता है, लेकिन मैगी उसे रोक देती है और उसे जाने देने का आदेश देती है। ड्रैगन उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी ज्यादा ताकतवर है और उसे एक ही झटके में दूर फेंक देती है। वह ड्रैगन पर पानी का एक बैरल फेंकता है, जो मैगी अपने नंगे हाथों से फाड़ देती है। ड्रैगन हार नहीं मानता और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन मैगी उसे कमर से पकड़ लेती है और तब तक दबाती रहती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर वह डिकी को उठाती है और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। डिकी उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है और तभी मिस्टर साव प्रकट होते हैं। सभी लोग जब यार्ड में जमीन पर गिर जाते हैं तो सीजे साथ डिकी के पास आता है और उसे गले लगाता है। डिकी अपने सहपाठियों को कुछ तरकीबें दिखाता है जो उसका खिलौना कर सकता है। वह सीजे साथ को बैठने और कई अलग अलग चेहरे बनाने के लिए कहता है। खेल के अंत में छोटा राक्षस गिर जाता है और टूटने लगता है। जब टी काम पर होता है तो वह अपने सभी सहकर्मियों को दिखाता है कि उसके बेटे को टेस्ट में 100 नंबर मिले हैं। उसे बहुत गर्व होता है, लेकिन जब उसका बॉस उससे बात करता है तो उसे सच्चाई समझ में आती है। बॉस बताता है कि अगर डिकी को पूरे नंबर मिले हैं तो उसने धोखा दिया है। टेस्ट को देखते हुए वह बताता है कि डिकी को 0 अंक मिले और उसका ग्रेड 100 हो गया। जब वह अगली सुबह घर आता है तो टी लड़के से उसकी परीक्षा में झूठ बोलने के बारे में पूछता है और डिकी कबूल करता है कि उसने सच में झूठ बोला था। सच्चाई का पता चलने पर टी अपने बेटे
जूते के बैग से सीजे साथ निकाल लेता है और दावा करता है कि डिकी को अपना खिलौना तभी वापस मिलेगा जब वह टेस्ट में 60 से ज्यादा अंक लाएगा। उस दिन डिकी का एक और मूल्यांकन हुआ, लेकिन इस बार उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का निश्चय किया। इस बीच उसके पिता ने एक ऊंची इमारत के निर्माण पर कड़ी मेहनत की। हालांकि काम करते समय एक दुर्घटना हुई, एक धातु का सिलेंडर इमारत से गिरता है और एक रस्सी से बंध जाता है जो उसके पैरों से बंधी हुई थी, जिससे वह आदमी नीचे गिरने लगा। उसके सहकर्मी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद की मदद नहीं कर पाता और इमारत से नीचे गिर जाता है। जमीन पर पहुंचने से पहले वह एक तिरपाल से चिपक जाता है, हालांकि तिरपाल उसका वजन नहीं संभाल पाता और फट जाता है, जिससे टी की मौत हो जाती है। स्कूल में डिकी अपनी परीक्षा के परिणामों से बहुत खुश होता है जब मिस इवेन उससे मिलने आती है। महिला लड़के को अस्पताल ले जाती है जहाँ उसके पिता को भर्ती कराया गया था। वहाँ उसे खबर मिलती है कि टी अपनी चोटों का विरोध नहीं कर सका। दिल टूटकर महिला लड़के को घर ले जाती है और उसे उसके पिता की मौत की खबर देती है। डिकी हताश हो जाता है और महिला से जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे सोने की जरूरत है और जब वह जागेगा तो उसके पिता वापस आ जाएंगे। आंसुओं में शिक्षक लड़के को छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि उस समय उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अस्पताल में रात के दौरान सीजे सात आदमी के बैग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। टी ने काम करने के लिए खिलौना अपने साथ ले लिया था, इसलिए डिकी इसे नहीं ले सका। मृत व्यक्ति को देखकर एलियन बहुत दुखी होता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने का फैसला करता है। उसका पहला प्रयास कारगर होता है। टी के घाव भरने लगते हैं, लेकिन यह उसे जगाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। कुछ सेकंड तक अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बाद भी छोटा राक्षस थक जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और काम जारी रखता है। जब डिकी उठता है तो वह अपने पिता को अपने बगल में सोता हुआ पाता है। लड़का उसे गले लगाता है और उससे कहता है कि वह उसे अब और न छोड़े। वास्तव में यह समझे बिना कि क्या हो रहा है, टी लड़के को वापस गले लगा लेता है। कुछ मिनट बाद डिकी सीजे सात को पाता है और महसूस करता है कि वह ठीक नहीं है। छोटा राक्षस मुश्किल से चल पाता है और अजीब आवाजें निकाल रहा है। अचानक उसके एंटीना से एक गोला गिरता है और प्राणी एक चीथड़े वाली गुड़िया में बदल जाता है। टी को लगता है कि खिलौने की बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए दोनों सीजे सात के लिए बिजली का स्रोत खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए लड़का अपने दोस्त को हर जगह अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन छोटा राक्षस जाग जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छात्र पिकनिक के लिए इकट्ठा होते हैं और डिकी को एक उड़न तस्तरी आती हुई दिखाई देती है। उस समय सीजे सात का एंटीना चमकने लगता है और अचानक उसके जैसे सैकड़ों जीव दिखाई देते हैं और उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। क्या डिकी आखिरकार सीजे सात को ठीक कर पाएगा, अब जबकि उसके एलियन दोस्त आ चुके हैं? आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और रोसा वर्मा अवध वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।